दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जहाँ तक आपको मैं बताने वाला हूँ, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं और आपका एरिया लगभग 1000 स्क्वायर फीट है, मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि घर बनवाने में जो बेसमेंट बनता है उसमें कितना खर्च आता है। जो आप एक इमेज देख रहे होंगे, इसमें आपका नीचे से पिलर बने हुए हैं और चारों तरफ आपका बाउंड्री है छोटा सा और आपका बीम पड़ा हुआ है, तो इतना घर बनवाने में आपको कितना खर्च आएगा, ईंट कितना लगने वाला है, सरिया कितना लगने वाला है, सीमेंट कितने लगने वाला है, बालू या गिट्टी जिसे बोलते हैं वो कंक्रीट वो कितना लगने वाला है। ये एरिया 1000 स्क्वायर फीट, मैंने इसके वीडियो भी बनाया, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इतना घर बनवाने में आपको कितना खर्च लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा। आपको एक आइडिया हो जाएगा घर बनवाने से पहले, तो आप एक बार इसे ज़रूर वॉच करें। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं उपन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो, मैंने जो वीडियो क्रिएट किया उसे प्ले करते हैं। तो ये देखिएगा, वीडियो मैंने प्ले किया, मैंने बनाया है वीडियो और ये पूरा प्लॉट है, मैं पूरा भी दिखाऊंगा, जिसका साइज है 20x50, 20x50 में 1000 स्क्वायर फीट में एरिया बना हुआ है, जिसमें कि लगभग आपके 15 पिलर हैं। और तो पूरा इसका मैं बताऊंगा ऊंचाई कितना है। आप जो पिलर एक देख रहे हैं, ये इसमें जो एक सरिया आती है लगभग 40 फीट की आती है, उसके दो टुकड़े किए गए हैं, हर एक पिलर में 4 सरिया पड़ा है, मतलब 19 फीट का एक पिलर बना हुआ है। देखिए, 19 फीट में लगभग ऊपर आपका 1 फीट छूटा हुआ है, मतलब कि लगभग 18 फीट का पिलर है, मतलब कि 7 फीट नीचे और 10 फीट ऊपर, 8 फीट नीचे और 10 फीट ऊपर, तब आपका बना हुआ। देखिए, टैंक वगैरह बना हुआ है, यहाँ बीम पड़ी हुई है और सारा इसके मॉडरेट करेंगे हम पूरा, अभी देख लें प्लॉट बहुत ही आसानी से। ये इसमें रूम मैंने एक दिया है, ऑफिस वगैरह आगे चारों तरफ बीम पड़ी हुई है और ये 15 पिलर बने हुए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि बोरे लगे हुए, कि गर्मी पड़ रही है तो इसमें जो पानी तराई करनी पड़ती है उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स मिलती है, तो इसीलिए यहाँ बोरे लगा दिए। बहुत ही आसान तरीके से आप तराई कर पाते हैं, जिस पानी थोड़ा बहुत रुका रहता है क्योंकि धूप बहुत पड़ रही है। इस समय हाल ही का वीडियो है, जो आज जो डेट है, आज 12 अप्रैल 2022 है, आज ही का वीडियो है, तो आज मैंने क्रिएट किया। तो मैं आप प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, 15 पिलर बने हुए, हर एक पिलर की लंबाई जो है वो लगभग 19 फीट नीचे से, क्योंकि इसमें नीम भी जुड़ा है, जो नीचे खुदाई होती है ना पिलर की वो भी जुड़ा हुआ है, ऊंचाई भी लगभग 3.5 फीट जुड़ी है और इसके बाद 10 फीट ऊपर है और लगभग 8 फीट नीचे पिलर है, जिसमें कि 3.5 फीट नीचे और 4.5 फीट ऊपर और इसके बाद 10 फीट और, तो ओवरऑल 19 फीट का पिलर यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि कुछ पुराई हुई है, यहाँ पर मिट्टी भी डली है और कुछ गहराई से पिलर खोदे जाते हैं। आपने अगर मकान बनवाया होगा तो आपको समझ में आया। इसका पूरा एस्टीमेट बताने वाला हूँ, 15 पिलर यहाँ पर बने हुए हैं आपके और यहाँ पर पूरा जो साइज बताया 20x50 1000 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ, तो चलो पूरा एस्टीमेट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें लिख के रखी है, मैं आपको पूरा प्रॉपर प्रोसेस समझाऊंगा। तो मैंने बता दी 19 फीट का पिलर बना हुआ, इसमें 8 फीट नीचे 3.5 फीट दबा हुआ है, इसके पास जो बचता है मतलब 4.5 फीट वो आपका ऊपर है जो बीम तक है, इसके बाद फिर आपका पिलर 10 फीट का है, तो 19 फीट का ओवरऑल पिलर है जो कि नीचे भी ज़मीन में भी है, इसके बाद कुछ पुराई ऊंचाई से बनाया है 19 फीट का और चारों तरफ बीम पड़ी हुई है, तो इसमें 15 पिलर है जो कि 10 फीट पर सारे पिलर बने हुए, तो लगभग 15 पिलर हैं। तो इसमें जो मैंने सीमेंट के सरिया लगाया है, मैं बता दूं इसका कॉस्ट है, नीचे से जो मैं बता रहा हूं पूरा इसमें नी भरी हुई है, 9 इंच वाली, मतलब 2 ईंटों की नी भरी हुई है और इसमें बीम चारों तरफ पड़े हुए हैं, ऊपर जो ऊपर प्रोसीजर बताया है, तो सब सारी बीमें लगभग 10-10 फिट पर बनी हुई हैं, 50 फिट की एक बीम, 50 फिट की एक, 50 की एक, फिर 10-10 फिट पर 5 बीम और पड़ी हुई हैं, तो ये पूरा एरिया होता है। अब इसमें सबसे पहले बात करें सीमेंट कितना लगा, तो देखिए 50 बैग मैंने जो खरीदे थे 360 रुपये में, इसके बाद 50 बैग और खरीदे 365 रुपये में, लेकिन मेरा जो इतना स्ट्रक्चर आपने जो देखा वीडियो उसमें 89 बैग मेरा केवल कंज्यूम हुआ है, जिसमें कि 50 बैग मेरे लग गए थे 360 रुपये में, जो 50 बैग पहले मैंने खरीदे थे 360 रुपये उसका प्राइस था, तो 18,000 वो बन जाता है और लगभग 50 बैग के मैंने पैसा जमा किए थे लेकिन मुझे 39 बैग ही लगा था, तभी 89 हुआ, तो 18,250 ये टोटल, तो मतलब कि 18,000 की मैंने पहले सीमेंट लगा दी और फिर 14,235 की और लगा, तो ये ओवरऑल सीमेंट को हो गया, मैं पूरा अभी बताऊंगा। इसके बाद जो सरिया लगा है आपका, सरिया जो लगता है जैसे स्टील बोलते हैं, 3.5 क्विंटल पहले लग गया मेरा और लगभग 2 क्विंटल और लगा, ये मैंने पैसा एक्स्ट्रा जमा किया था, मतलब टोटल ओवरऑल जो सरिया लगा है मेरा
5.95, मतलब कि 6 क्विंटल के आसपास सरिया इसमें लगा। इसमें बीम इंक्लूड है और पिलर जो कि 19-19 फिट के हैं। इतना सरिया लगा। पहले जो मैंने सरिया खरीदा था 4.25 क्विंटल वो 6400 रुपये में, इसके बाद जो 2 क्विंटल और खरीदा है वो 7200 रुपये में खरीदा है। मैंने पैसे 5 क्विंटल के जमा कर दिए थे, तो आप इसमें कन्फ्यूज ना रहें। तो पहले 24,000 का सरिया लगा, 15,000 तो ये आपका सरिया का पैसा आ गया। इसके बाद गिट्टी, जैसे आप कंक्रीट बोलते हैं, वो मैंने पहले 2 ट्राली लिया था, तो एक ट्राली में 100 स्क्वायर फिट आता है, तो 3500 रुपये में वो लगा, तो 7000 ये बन गए 2 ट्राली के। इसका एक ट्राली और लिया, उसका रेट मुझे 4000 पड़ा, तो टोटल 4000, मतलब 11,000 रुपये का कंक्रीट लगा। इसके बाद वायर, जो पिलर में पिलर को बांधने में रिंग के काम आता, तो वायर मैंने 7 kg खरीदा था 100 रुपये के हिसाब से, तो 700 रुपये तार का लग गया। इसके बाद रिंग्स, जो बीम में पड़ती है ना, बीम में पिलर में रिंग्स पड़ती हैं, वो 275 लगी। पर रिंग का 8 रुपये चार्ज था, तो 2200 रुपये की रिंग मुझे पड़ी। इसके बाद अल्ट्रा जो आता, आपने देखा होगा अल्ट्राटेक का जो डॉक्टर फिक्स्ड की बात करें यहाँ पर, वो मुझे लगभग 6 लीटर और 10 मतलब 16 लीटर मैंने डाला था, जिसमें प्रॉब्लम ना हो कभी, क्योंकि नी का सवाल था, तो उसमें मैंने 16 लीटर लगा 110 रुपये के हिसाब से, पहले 6 फिर 10, तो इसका पहले 6 लीटर का 660 रुपये हुआ और 10 का 1100 रुपये, तो ये आपका डॉक्टर फिक्स्ड लगा। इसके बाद मैं बता दूं, मैंने जो मोहरम जिसे बोलते हैं, बालू जिसे आपके यहाँ हो सकता है बोलते हो, मेरे यहाँ मोहरम बोलते हैं, तो मैंने एक ट्रक मंगाया था जो कि मुझे 32,500 का पड़ा था, जिसमें लगभग 1300 स्क्वायर फीट मुझे मिला था, मतलब कि 13 ट्रॉली मिला था। एक ट्रॉली हमारे यहाँ 100 स्क्वायर फीट की होती है, तो मुझे एक जो ट्रॉली की बात करें, मतलब 100 स्क्वायर फीट की बात करें, वो 2500 रुपये का पड़ा था, एक ट्रॉली 2500 का, तो 6 ट्रॉली मेरी मोहरम ख़त्म हो गई, तो 15,000 रुपये की मोहरम लग गई। इसके बाद यहाँ तक का बजट मेरा, जो सरिया सीमेंट वगैरह लगा वो सारा। इसके बाद मैंने प्लाट की भराई कराई, क्योंकि खाली में था, तो उसमें मुझे 35,000 की मिट्टी डलवानी पड़ी लगभग में, तो ये 35,000 भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो इसे अगर ओवरऑल ये पूरा ऐड करें, इतना मेरा खर्च आया विदाउट मिस्त्री, विदाउट लेबर, मैंने अभी लेबर का चार्ज में नहीं ऐड किया है, इसका ध्यान रखें आप, मैं वो भी बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सेकेंड वीडियो बता दूंगा, कितने दिन लगे, कितने लेबर लगा, कितना मिस्त्री लगा, वो भी मैं बता दूंगा। आप कमेंट करके बताइए कि मैं सारा एस्टीमेट आपको बता दूंगा। तो ये हमारा जो डेटा लगा है 7/4/2022 तक, 7/4/2022 तक हमारे यहाँ काम हुआ, तो इतना जो पिलर वगैरह देखे उसमें 1,37,735 रुपये लगे, जिसमें मिट्टी का भी पैसा इंक्लूड है, सीमेंट, गिट्टी, मोरम, डॉक्टर फिक्स्ड, रिंग, तार वगैरह, सरिया सीमेंट, सब कुछ इंक्लूड है, बस इसमें ईंटों का पैसा मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ईंट का, क्योंकि जो मेरा नी भर के आया है 3 फिट गहराई से, 3.5 फिट, इसके बाद 4 फिट और, मतलब 8 फिट का जो लगा है उसमें मैंने ईंट को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ईंट लगभग हमारे 8,000 लगे थे, 8,000 ईंट लगे थे, जिससे मुझे लगभग में 6,000 रुपये का 1,000 ईंट मुझे मिला था, तो 48,000 रुपये की ईंट अलग लगे हैं 1,37,000 में, तो इसमें 48,000 और आप जोड़ सकते हैं, 50 जोड़ लीजिएगा, तो लगभग 1,87,000 के आसपास पैसा खर्च हो गया है बनवाने में सिर्फ पिलर तक का, जिसमें लेबर चार्ज अभी इंक्लूड नहीं है, मिस्त्री का चार्ज इंक्लूड नहीं है, वो सारा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, आप इसे रिकमेंड करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इतना दिन काम हुआ, इतना घर जो बनाया मैंने वो कितना समय लगा इसको बनवाने में, कितने मिस्त्री और लेबर लगे। तो ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताएं। पूरा ओवरऑल मैं पहले से मेंशन करता रहूँ, क्योंकि मेरा खुद का मकान बन रहा है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन करके रखी थी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब आपके राज्य में हो सकता है चार्जेज अलग अलग हों, क्योंकि मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, तो कानपुर में ये चार्ज इस समय पड़ रहे हैं, सारा जो भी मटेरियल मैंने बताया। तो ये जानकारी, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्मॉल हाउस प्लान को, लगातार अपडेटेड वीडियो नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, और मैं लेबर और मिस्त्री का चार्ज बताऊँगा यदि आप कमेंट करके पूछते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।